big swing. तो यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं सुबह 9 बजे बालाकोट के लिए। तकरीबन 8 घंटे का रास्ता है और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुँच गए हैं कलाकार और यहाँ पे थोड़ा रुके नमाज के लिए और चाय पियेंगे। वही तो चाय की शॉप है कड़क चाय, क्योंकि चाय जो है ना बड़ा मेन मसला है सफ़र के अंदर, हमारे मतलब की नहीं मिलती। रात को जो मुल्तान में हमने चाय पीने 120 रुपये की गोड़ वाली, और ज़बरदस्त तबीयत भी अच्छी करी, हल्का किया उसने, मज़ा आया। कलर में तो सही लग रही है चाय, ये भाई बहुत गुस्से में, इसने गुस्से में बनाई अच्छी चाय बनाई। अचानक मेरा बुहरान था, अल्लाह ने रोटी रखी थी, वो हाईवे बंद था, वहाँ रुक गए हम, रात को स्टे किया, खाना खाया, रात उठ के और आराम से सुबह भी निकल गए। तकरीबन 1 से 1.5 का टाइम हो रहा और मैं उन लोगों के लिए सॉरी बोलूँगा कि मैं मुल्तान से आया, बहुत सारे लोगों से मिला भी नहीं और खाने वाले से भी, डॉक्टर साहब सॉरी। और मैं यहाँ कलाकार आया हूँ, तो मलिक साहब आपका भी यहाँ बहुत करीब है, आपका फ़ोन नहीं लग रहा, मैंने बहुत ट्राई की, आगे इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, चाय वाय पीते हैं और बहुत मज़ा आया, मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हुई है आई थिंक थोड़ी देर 2-4-5 घंटे पहले हुई होगी, मगर ठंडक है। आज रायबंड का इज्तिमा का पहला हल्का ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारे तबलीगी साथी यहाँ पे रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, तो आगे का जो प्लान होगा अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। निकल गए कलाकार से सफ़र में, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा मौसम, इंशाल्लाह रात में ऐसा लगेगा कि सर्दी जैकेट पहननी पड़ेगी, अभी तक कराची से यही कपड़े पहन के आ रहा हूँ, अभी ठंडा मौसम है, मज़ेदार है। मेरा प्लान ये है कि देखो अभी खाना जो खाना है वो 3-3:30 बजे या 3 बजे वहीं पहुँच के इस्लामाबाद में, क्योंकि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, अगर धूप सुनते देखते हुए जा रहे हैं, मगर मैंने अभी तक तस्वीरें नहीं खींची, सोच रहा हूँ कि कुछ तस्वीरें भी खींच लूँ ताकि याद रहे, टाइम मिलता तो देखते हुए अच्छा पॉइंट लोकेशन आता। चलो भाई पहुँच गए बालाकोट और रास्ते में बड़ा मज़ा आया, और इस वक्त कोई 4 बजे होंगे और मौसम भी बाहर का पता नहीं, कुछ बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पे होटल कराएंगे और फिर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर दोपहर में खाना स्किप किया हुआ, अब खाना वाना खा के फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं बालाकोट में और हम लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई, लोग हमें देख के समझ रहे हैं कौन जो उसमें घूम रहे हैं, वो पीछे पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, बस हम होटल की तरफ जा रहे हैं और बस रुके हैं कुछ। पहुँच गए भाई बालाकोट और ये हम होटल में आ गए, यहाँ लाइट नहीं है, ये जनरेटर चल रहा है, मेरे ख्याल में तार वार टूट गए, तो जल्दी जल्दी मोबाइल चार्ज करेंगे, बहुत बाहर अंधेरा हो रहा है, आपको नज़र तो आएगा नहीं, तो फिर खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, और देखो बाहर इतनी ठंड हो रही है, लोग जैकेट है और आपका भाई बॉडी बिल्डर फुल ऐसे ही घूम रहा है। कमरा है, रेट भी कर हमारी बैल्कनी, रात को बारिश हुई ठीक ठाक और अभी भी बारिश हो रही है, से तो दिख रहा होगा ये बारिश हो रही नीचे, ठीक है। और ये रिवर है, सिटी नहीं है, अब हमें निकलना पड़ेगा, हमने क्यों नाश्ता भी करना है, सुबह 8 बजे
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोबाइल चार्ज लेंगे और बहुत सारे मसले मसाए। देखते हैं अभी उसे।